श्री राम, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, सावन का सोमवार प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। कल से सावन के वन सोमवार प्रारंभ हो रहे हैं, जिसका कि सभी को इंतजार है और मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। लेकिन उसमें कुछ खास बात मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उसको आप बिल्कुल ध्यान रखना। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सावन का महीना होता है, इसमें जैसे आप मंदिर में जाकर जब पूजा करेंगे भगवान की, तो किस बातों का ध्यान रखें, किस तरह के वस्त्र आप पहन कर जाएँ, जिससे कि आपको अत्यंत लाभ होगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कुछ मैंने अभी YouTube पे वीडियो देखे कुछ महिलाओं के, जो ये कह रही हैं कि आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा करो। तो मैं आपको पहले तो ये बोलूँगी कि सुहागिन औरतों के लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र सर्वथा वर्जित होते हैं। तो सफ़ेद रंग के वस्त्र आप किसी के भी कहने में आकर कदापि ना पहनें, और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले वस्त्र ही आपको धारण करने चाहिए। सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले वस्त्रों में सबसे खास बात ये होती है कि उनमें गोटा पत्ती इत्यादि लगी हुई हो, ऐसा वस्त्र आपको पहनना है। इसके अलावा राजस्थान में तो हमारे लहरिया पहना जाता है सावन के महीने में। लहरिया मतलब जिसमें दो लाइनिंग्स वगैरह होती हैं, कई प्रिंट्स उसमें होते हैं। तो लहरिया आप जब किसी भी शॉपकीपर को आप बोलेंगे तो वो आपको लहरिया दे देगा। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो लहरिया प्रिंट क्या होता है आपको ये दिख जाएगा। इसके अलावा चुनरी प्रिंट हो गई, या हमारे राजस्थान में पीला भी पहना जाता है, हालांकि वो किसी संतान के जन्मोत्सव के अवसर पर भी पहना जाता है, जिसमें कि पीला रंग होता है और लाल रंग के बीच में गोला टाइप बना रहता है, जिसको कि पीला बोला जाता है। उसका ओढ़ना भी होता है और उसकी साड़ी भी होती है, लेकिन पीला भी अब कई तरह के का आ गया है। तो लहरिया हो गया, या मोछड़ा प्रिंट भी होता है, मोछड़ा प्रिंट भी सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। फिर चुनरी और बंधेज का प्रिंट तो होता ही सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। तो सौभाग्य को बढ़ाने वाले वस्त्र ही आपको धारण करने हैं। स्पेशली आपको काले, नीले और पर्पल कलर हुआ, नीला रंग हुआ, ये रंग आपको अवॉइड करना है। रेड कलर हुआ, ये रानी कलर हुआ, इसके अलावा गाजरी कलर हुआ, इसके अलावा पीला कलर भी आप ले सकते हैं। बाकी इस तरह के कलर से आपको पूजा में पहनने हैं। पिंक कलर भी बहुत अच्छा रहता है। तो मंडे को जब आप शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा करें, तो लहरिया ही साड़ी के रूप में या दुपट्टे के रूप में आपके पास रहे, तो वो बहुत ही मांगलिक और शुभता को बढ़ाने वाला होता है। पति की संपदा में भी बहुत योगदान मिलता है, ऐसा माना जाता है, यदि इस तरह के वस्त्र धारण किए जाएं तो। और इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, पुरानी परंपराएं किसी भी रूप में अंधविश्वास नहीं है। पुरानी परंपरा शाश्वत है, जब तक सृष्टि का अस्तित्व है तब तक ये परंपराएं विद्यमान रहेंगी, और भावी पीढ़ी को हम ये सारी परंपराएं, अपनी पीढ़ी जो है वो भावी पीढ़ी को भी ये सब सिखाएगी। तो ये परंपरा सतत भारतवर्ष का गौरव है और बनी रहेंगी। कुछ लोग इनको अंधविश्वास मानते हैं, तो वो अपने हिसाब से फॉलो करें। उनको सफ़ेद साड़ी पहन के जाना है तो वो भले वो सफ़ेद साड़ी पहन कर जाएं, लेकिन मैं तो अपनी बहनों को जो सही सलाह है वही दूंगी किसी भी रूप में, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा से जोड़ती हैं कुछ महिलाएँ कि चंद्रमा का कलर सफ़ेद है तो सफ़ेद साड़ी पहन लो। ये बिल्कुल भी एक गलत बात है। ठीक है, चंद्रमा का कलर सफ़ेद है, लेकिन सबसे पहले जिसे आपको सौभाग्य को देखना है, चंद्रमा की शुभता को बढ़ाने के लिए तो आप शिव जी की पूजा कर ही रहे हैं ना, तो शिव जी का आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही। जब शिव जी का आपने आशीर्वाद ही प्राप्त कर लिया तो फिर क्या दिक्कत है। तो इसलिए आप सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले ही वस्त्र पहने, जिसमें गोटा पत्ते का काम हो, वो वस्त्र बहुत शुभ होता है, मांगलिकता को बढ़ाने वाला है। और जो मैंने आपको प्रिंट्स बताए एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ, मोठड़ा, लहरिया, बांधनी प्रिंट, ये सारी चीज़ें जो हैं सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं। कलर्स में रेड हो गया, रानी हो गया, पिंक हो गया, ये सारे कलर्स सौभाग्य को बढ़ाते हैं। तो इस तरह के कलर्स का आप प्रयोग कीजिए और भगवान के मंदिर में जाकर पूजा कीजिए। सिर ढककर पूजा कीजिएगा, सिर को ढककर ही जब आरती वगैरह करें तब सिर ढक लीजिएगा, इसका आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। और ऐसा करने से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, और वैसे भी भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, तो भक्ति आपको अवश्य ही करनी है, और शुभता का ध्यान रखते हुए इन मांगलिक वस्त्रों को आपको धारण करना है। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।